वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा 12 डेज टू गो, मतलब हमारा बैक डे, बैक भाई मैं पागल हो गया भाई। आज है हमारा चेस्ट, मतलब पुश डे। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं एक डेफिसिट में खा रहा हूँ, फिर भी एक मतलब कोई वर्कआउट में मेरे रैप्स कम क्यों नहीं होते। तो देखो, डेफिसिट में तो मैं खा ही रहा हूँ, बट हर एक वर्कआउट में लास्ट तक जाने को पहले मुझे ये नहीं होता था कि वो वाला होता है ना कि एकदम फेलियर, मतलब उसके आगे तुम्हारा मसल आगे जा ही नहीं पाए, वैसा फील नहीं होता था हर एक सेकंड में, आधे में छोड़ देता था। बट अभी मेरा लास्ट रेप, मतलब उससे आगे मैं जा ही नहीं पाता हूँ, मतलब एक भी पुश करने का ट्राई करो ना, बस उधर ख़त्म। तो ये डेफिसिट खाने वजह से ये होता है और मैं ये फील कर रहा हूँ। और प्री वर्कआउट इसलिए तो लिया था कि हमको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिले उससे, तो हाँ थोड़ा परफॉर्मेंस पे असर हो रहा है। कोई नहीं, विल ट्राई आवर बेस्ट और आगे जाके मिलते हैं। तो कुछ लोग को ऐसा लगता है कि डेफिसिट में खाने की वजह से मसल लॉस होता है, तो उसकी वजह से वो लोग खाना कम नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। मसल लॉस कब होता है कि तब कि तुम अपने वर्कआउट का वॉल्यूम कम करो, ठीक है। तो अगर तुम डेफिसिट में भी खा रहे हो तो एकदम पुश करने का ट्राई करो, थोड़ा थम कम, मतलब देखो वीकनेस तो फील होगी तो रैप्स कम होंगे, बट ट्राई करो पुश करने का। तो और प्रोटीन खाओ, बस प्रोटीन रिकवरी में हेल्प करेगा और इंटेंसिटी जितनी बढ़ाओगी उतना मसल पर जोर आएगा, तो मसल लॉस नहीं होगा, क्योंकि मुझे फील नहीं हो रहा मसल लॉस, वैसे मसल है ही नहीं तो लॉस फील नहीं होगा। बट यह एक चीज़ मैंने पढ़ी थी तो देखी थी और मेरे पर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं तो। हाँ ओके, तो आज पुश डे है तो हमारा चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप। तो ट्राइसेप के लिए तो सेम ही रहेगा, प्लस कॉल कर सकते और पुश डाउन्स। और चेस्ट के लिए हर दिन चेंज होता है, लाइक फर्स्ट पुश डे और सेकेंड पुश डे पर चेंज होता है मेरा चेस्ट। ओके, फर्स्ट पुश डे में देखो मशीन चेस्ट प्रेस तो सेम ही रहेगा और फ्लाइस दो सेम रहेंगे। एक एक्सरसाइज चेंज करता हूँ जो है बेंच और इंक्लाइन मशीन, दो मैं चेंज करता हूँ दिन करता हूँ। तो या दिस टिप फॉर गाइस, हाँ ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने दो वार्म सेट्स, तो इससे पहले 85 पे 876 मिले थे, आज ट्राई करेंगे फुल। दो सेट हुआ है, पम्प थोड़ा थोड़ा आ गया है, लेट्स गो, पम्प कवर निकाल। ये इंक्लाइन मारते मारते यार शोल्डर में पेन होना चालू हो गया भाई, पता नहीं, फिर भी आज शोल्डर तो मारेंगे, तेल लेने का सब कुछ, दुखे तो दुखे, फिर और रेस लेंगे लेंगे और क्या। बट लेट्स गो, लाइस करने से पहले OHP डंबल के साथ
मे बी 15 75 75 के जी। लेट्स गो। बंद हुआ है तो बता देता हूँ, OHP किया है इंग्लैंड के बाद, और इंग्लैंड में ही मेरे को शीश और शोल्डर में पेन थोड़ा होना चालू हो गया था, बट कोई नहीं, हम लोग रुके नहीं। उसके बाद OHP किया, OHP में 12.98 ऐसा कुछ मिला है, ठीक है, तो प्रोग्रेस गुड, 17.5 की चीज़ है। OHP में अभी भी मेरे को कंट्रोल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पर सुधारना है कि आई थिंक, और पंप सही आ रहा है, देखो वेंस निकल रही है। ओके, डन विद द फ्लाइस। ओके, लेटर रेजिस के लिए हम डंबल ही चूज़ करेंगे, क्योंकि तो केबल पे कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी, ये शोल्डर कभी भी धोखा दे सकता है, तो डंबल 5 kg हर एक सेट फेलियर तक। लेट्स गो। तो हमने रेयर डेल्स के लिए आज नई एक्सरसाइज ऐड की, डबल आर्म रिवर्स केबल फ्राई, उससे माइंड मसल बहुत सही बैठता है। अब लास्ट जो एक्सरसाइज बाकी है ट्राइसेप के लिए, जो फर्स्ट मैं इजी से स्कल क्रशर कर रहा हूँ और रोप पुश डाउन। लेट्स गो। विजिबल हुआ है भाई, जब वेन विजिबल होता है ना भाई, लट दिख भाई सही है, जब एक एक वेन विजिबल होता है ना भाई, मेरे को बहुत सही लगता है। तो आज का चेस्ट डे बहुत सही गया, 3 सेट बाकी है रोप पुश डाउन के, फिर विल गो फॉर द वॉक, क्योंकि आज भी 9:55 हुए हैं, तो 10 मिनट में वो रोड पोर्शन ख़त्म करने का ट्राई करूँगा, 10 मिनट में घर खाना खा के ख़त्म, पूरा वॉक करने निकलेंगे फॉर हाफ एन आवर 11:30 तक, एंड या ओके एडिट करके सो जाऊँगा। सही जा रहा है वर्कआउट्स,
पंप भी सही आ रहा है। लेट्स गो टॉयलेट टू गो टॉयलेट टू गो गाइस वी आर हाई। ओके तो हमारा स्पेशल तो आज का रिकॉर्ड बहुत सही रहा है और हाँ रेप्स थोड़े कम हो गए हैं, कम नहीं बोलूँगा, लास्ट रेप तक जाते जाते मेरी फटके चार हो जाती है भाई, बट कोई नहीं, अच्छा गया वर्कआउट और एक शोल्डर में पेन था, दोनों शोल्डर में पेन चालू हो गया भाई। इसको पता नहीं, वो इंक्लाइन मशीन लगा रहा था ना तो पहले सेट में दोनों पता नहीं चिल्लाना चालू कर दिए, बट कोई नहीं, फिर भी मैंने चालू रखा तो आई थिंक एक दिन और रेस्ट करना पड़ेगा शोल्डर को, बट कोई नहीं। हाँ अभी पोस्ट वर्कआउट पी लेता हूँ और घर जाते जाते जल्दी, आज 10:30 तक घर जाना है फिर वॉक पे निकलना है। आज हमारे घर पे बोले हैं आलू दे परौंठे तो उसके साथ दही खाऊंगा, तो आज का प्रोटीन इंटेक भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ वॉक पे निकलते हैं फिर थोड़ा बात करते हैं। तो 10:50 हो चुकी है, आधे घंटे में वॉक ख़त्म करनी है, मतलब 11:20 या तो 11:30 तक वॉक ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। लेट्स गो फास्ट, थोड़ा पेस बढ़ाएंगे, 15 से ख़त्म कर देंगे। ओके तो हम लोग घर पे आ गए हैं और ऑलमोस्ट 16,800 मतलब 17,000 स्टेप्स ख़त्म हुए हैं, तो टुडेज गोल अचीव्ड। बस तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कीप काम, टॉक लेस, डू मोर, लेट्स गो।